भारतीय रेल यह भारत सरकार नियंत्रित सार्वजनिक रेलवे सेवा है। भारत में रेलवे की कुल लंबाई 68,103 किलोमीटर है। भारतीय रेलवे रोजाना 231 लाख यात्रियों और 33 लाख टन माल ढोती है। भारतीय रेलवे के स्वामित्व में भारतीय रेलवे में 12,147 लोकोमोटिव, 74,003 यात्री कोच और 289,185 वैगन हैं और 8,702 यात्री ट्रेनों के साथ प्रतिदिन कुल 13,523 ट्रेनें चलती हैं। भारतीय रेलवे में 300 रेलवे यार्ड, 2,300 माल ढुलाई और 700 मरम्मत केंद्र हैं। यह दुनिया की चौथी सबसे बड़ी रेलवे सेवा है। 12.27 लाख कर्मचारियों के साथ भारतीय रेलवे दुनिया की 8वीं सबसे बड़ी व्यावसायिक इकाई है। रेलवे विभाग भारत सरकार के मध्य रेलवे विभाग का एक प्रभाग है जो भारत में संपूर्ण रेलवे नेटवर्क की योजना बना रहा है। रेलवे विभाग की देखरेख रेलवे विभाग के कैबिनेट मंत्री द्वारा की जाती है और रेलवे विभाग की योजना रेलवे बोर्ड द्वारा बनाई जाती है। यह भारत के परिवहन क्षेत्र का मुख्य घटक है। यह न केवल देश की मूल संरचनात्मक आवश्यकताओं को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है अपितु बिखरे हुए क्षेत्रों को एक साथ जोड़ने में और देश राष्ट्रीय अखंडता का भी संवर्धन करता है। राष्ट्रीय आपात स्थिति के दौरान आपदाग्रस्त क्षेत्रों में राहत सामग्री पहुंचाने में भारतीय रेलवे अग्रणी रहा है। देश के औद्योगिक और कृषि क्षेत्र की त्वरित प्रगति ने रेल परिवहन की उच्च स्तरीय मांग का सृजन किया है। विशेषकर मुख्य क्षेत्रों में जैसे कोयला, लौह और इस्पात अयस्क, पेट्रोलियम उत्पाद और अनिवार्य वस्तुएं जैसे खाद्यान्न, उर्वरक, सीमेंट, चीनी, नमक, खाद्य तेल आदि। भारत में रेलवे के लिए पहली बार प्रस्ताव मद्रास में 1832 में किए गए थे। भारत में पहली ट्रेन 1837 में मद्रास में लाल पहाड़ियों से चिंतादरीपेट पुल लिटिल माउंट तक 25 किलोमीटर चली थी। इसे आर्थर कॉटन द्वारा सड़क निर्माण के लिए ग्रेनाइट परिवहन के लिए बनाया गया था। किसम विलियम एवरी द्वारा निर्मित रोटरी स्टीम लोकोमोटिव प्रयोग किया गया 1845 में। गोदावरी बांध निर्माण रेलवे को गोदावरी नदी पर बांध के निर्माण के लिए पत्थर की आपूर्ति करने के लिए राजामुंदरी के डोलेस्वरम में कॉटन द्वारा बनाया गया था। 8 मई 1845 को मद्रास रेलवे की स्थापना की गई। उसके बाद उसी वर्ष ईस्ट इंडिया रेलवे की स्थापना की गई। 1 अगस्त 1849 में ग्रेट इंडियन प्रायद्वीपीय रेलवे की स्थापना की गई संसद के एक अधिनियम द्वारा। 1851 में रुड़की में सोलानी एक्वाडक्ट रेलवे बनाया गया था। इसका नाम थॉमसन स्टीम लोकोमोटिव द्वारा रखा गया था, जिसका नाम उस नाम के एक ब्रिटिश अधिकारी के नाम पर रखा गया था। रेलवे ने सोलानी नदी पर एक एक्वाडक्ट के लिए निर्माण सामग्री पहुंचाई। 1852 में मद्रास गारंटी रेलवे कंपनी की स्थापना की गई। सन 1850 में ग्रेट इंडियन प्रायद्वीपीय रेलवे कंपनी ने बंबई से थाने तक रेल लाइन बिछाने का कार्य प्रारंभ किया गया था। इसी वर्ष हावड़ा से रानीगंज तक रेल लाइन बिछाने का काम शुरू हुआ। सन 1853 में बहुत ही मामूली शुरुआत से जब पहली प्रवासी ट्रेन ने मुंबई से थाने तक 34 किमी की दूरी तय की थी, अब भारतीय रेल विशाल नेटवर्क में विकसित हो चुका है। साल 2017 में भारतीय रेल व्यवस्था को सुधारने हेतु महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। रेल सुरक्षा निधि 1,00,000 करोड़ रुपए के एक कोष के साथ 5 साल की अवधि में बनाया जा रहा है। लिफ्टों और एस्केलेटर प्रदान करके 500 से अधिक रेलवे स्टेशनों को अलग अलग तरीके से अनुकूल बनाया जा रहा है। तीर्थयात्रा और पर्यटन के लिए समर्पित गाड़ियों को लॉन्च करने के लिए कदम उठाए जा रहा है। 2019 तक भारतीय रेल के सभी कोचों को जैव शौचालयों के साथ फिट किया गया। यह कार्य पूरा हो गया है। मानव रहित रेलवे स्तरीय क्रॉसिंग को 2020 तक समाप्त किया गया। यह कार्य पूरा हो गया है। ऐसे नेटवर्क को आधुनिक बनाने, सुदृढ़ करने और इसका विस्तार करने के लिए भारत सरकार निजी पूंजी तथा रेल के विभिन्न वर्गों में जैसे पत्तन में पत्तन संपर्क के लिए परियोजनाएं, गेज परिवर्तन, दूरस्थ पिछड़े क्षेत्रों को जोड़ने, नई लाइन बिछाने, सुंदरबन परिवहन आदि के लिए राज्य निधियों को आकर्षित करना चाहती है। तदनुसार भारतीय रेल में रेल प्रौद्योगिकी की प्रगति को आत्मसात करने के लिए अनेकानेक प्रयास किए हैं और बहुत से रेल उपकरणों जैसे रोलिंग स्टॉक के उत्पादन में आत्मनिर्भर हो गया है।
यह ईंधन किफायती नई डिजाइन के उच्च हॉर्स पावर वाले इंजन, उच्च गति के कोच और माल यातायात के लिए आधुनिक बोगियों को कार्य में लगाने की प्रक्रिया कर रहा है। आधुनिक सिग्नलिंग जैसे पैनल इंटरलॉकिंग, रूट रिले इंटरलॉकिंग, केंद्रीकृत यातायात नियंत्रण, स्वत सिग्नलिंग और बहु पहलू रंगीन प्रकाश सिग्नलिंग की भी शुरुआत हो चुका है। इसके अतिरिक्त सरकार ने दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद और कोलकाता मेट्रोपॉलिटन शहरों में रेल आधारित मास रैपिड ट्रांजिट प्रणाली शुरू की है। परियोजना का लक्ष्य शहरों के यात्रियों के लिए विश्वसनीय, सुरक्षित एवं प्रदूषण रहित यात्रा मुहैया कराना है। यह परिवहन का सबसे तेज साधन सुनिश्चित करती है, समय की बचत करती एवं दुर्घटना कम करती है। इस परियोजना ने उल्लेखनीय प्रगति की है, विशेषकर दिल्ली मेट्रो रेल परियोजना का कार्य निष्पादन स्मरणीय है। भारत में रेल मूल संरचना के विकास में निजी क्षेत्रों की भागीदारी का धीरे धीरे विस्तार हो रहा है, मान और संभावना दोनों में। उदाहरण के लिए पीपावाव रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड रेल परिवहन में पहला सरकारी निजी भागीदारी का मूल संरचना मॉडल है। यह भारतीय रेल और गुजरात पीपावाव पोर्ट लिमिटेड की संयुक्त उद्यम कंपनी है, जिसकी स्थापना 271 किमी लंबी रेल लाइंस का निर्माण, रखरखाव और संचालन करने के लिए की गई है। यह गुजरात राज्य में पीपावाव पत्तन को पश्चिमी रेल के सुरेंद्र नगर जंक्शन से जोड़ती है। साझेदारी के माध्यम से चयनित वस्तुओं के लिए परिवहन समाधान समाप्त करने के लिए रेलवे एकीकृत होगा। भारत में रेल मंत्रालय रेल परिवहन के विकास और रखरखाव के लिए नोडल प्राधिकरण है। यह विभिन्न नीतियों के निर्माण और रेल प्रणाली के कार्य प्रचालन की देखरेख करने में रत है।